कुछ ये देखो क्या आया है साइन, कौन सा देखना पड़ेगा, ये सर्कल सा बना हुआ है भाई, ये है ऑटोमेटिक वार्निंग लैंप। अब ये ब्लिंक कर रहा है तो लिखा है मैनुअल में कि गाड़ी को स्लो कर लो एक बारी। ये ऑटोमेटिक से रिलेटेड कोई सेंसर का माल फंक्शन है भाई। ये देखो एक नई दिक्कत महिंद्रा का, कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा। ये न्यूट्रल, अब मैं पी पे कर रहा हूँ और गाड़ी को कर रहा हूँ स्टॉप, तो ये कह रही है शिफ्ट टू पी टू टर्न ऑफ, और जबकि ये देखो आप पार्क पे ही है। वो ड्राइव मोड पे लगाते झटका लग रहा है, ये देखो है ना, ऐसे रिवर्स में लग रहा है झटका। महिंद्रा में कॉल किया है, यहाँ भिलवाड़ा में है एक सर्विस सेंटर, तो वो बता रहे हैं लिंप होम मोड में गाड़ी चल रही है। कर हो गया यार, भिलवाड़ा महिंद्रा खड़े हैं और इंजीनियर अभी तक अरेंज नहीं हो पाया है और छुट्टी का दिन है। लगी हुई है कॉल फिर से महिंद्रा को, आ गया लैपटॉप। कुछ था भाई नीचे कुछ लूज वगैरह नहीं? ठीक है बिल्कुल, बाकी मेरा है। इसमें ऑटोमेटिक का कौन सा होता है? कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक आएगा, नहीं हो रहा कनेक्ट, नहीं हो रहा, क्या करें। अब गाड़ी मैंने पार्क पे लगा के की ना, तो अब बंद हो गई और अभी साइन फिलहाल तो चला गया है। दो ओबीडी स्कैनर कनेक्ट किए थे उन्होंने, दो लैपटॉप, लेकिन ना कनेक्ट ही नहीं हो पाया गाड़ी में, तो कह रहे थे गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, टाइम लग सकता है। तो भाई छोड़ तो सकते नहीं है, अभी दिल्ली जाना है, तो धीरे धीरे लेके जाएंगे, देखते हैं इशू दोबारा आता है कि नहीं। बैटरी भी डिस्कनेक्ट करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, बट नहीं हुई कनेक्ट। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई अगर आप टाटा या महिंद्रा कार ओन करते हो या लेने का सोच रहे हो, तो भाई एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रख लेना कि आपके सर्विस सेंटर के चक्कर लगते रहेंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वीडियो देखना एंड तक। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई गुड़गांव कॉन्सेप्ट महिंद्रा सेक्टर 37 अपनी गाड़ी को लेके, क्योंकि अपनी स्कॉर्पियो एन में कुछ इश्यूज़ आए थे इस बार मेरी गुजरात ट्रिप पे, और एक दो तो भाई मेजर इश्यूज हैं जिनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने मेरी गुजरात वाली सीरीज़ देखी है ना, क्योंकि ये वीडियो उसके बाद आएगी, वो मैं सीरीज़ ब्रेक करना नहीं चाह रहा हूँ। तो मेरी गुजरात ट्रिप थी करीब करीब 3200 किलोमीटर की 5 डेज़ की, और उसमें मुझे दो मेजर इश्यूज़ आए। एक, एंड्रॉयड ऑटो जब मेरा कनेक्टेड था ना, तो मेरे स्पीकर्स में से आवाज़ आनी बंद हो गई थी, पीछे वालों में से ड्राइवर साइड स्पीकर में से साउंड आ रही थी, फ्रंट लेफ्ट स्पीकर में से बहुत कम साउंड आ रही थी, और पीछे वालों में से आ ही नहीं रही थी, और एंड्रॉयड ऑटो भी मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो एक तो ये इशू, और ये तो फिर भी चल जाए छोटा मोटा, भाई जो मेजर इशू आया था ना सेकंड इशू, जिसकी वजह से मुझे अपनी गाड़ी उदयपुर से दिल्ली के बीच में भिलवाड़ा दिखानी पड़ी थी महिंद्रा सर्विस सेंटर पे, वो था ऑटोमेटिक वार्निंग लैंप। मेरी गाड़ी में चलते चलते जब हम उदयपुर से निकले थे, तो वार्निंग साइन आ गया था MID में ऑटोमेटिक वार्निंग लैंप का, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आपको पता लग जाएगा वो क्या साइन होता है। और इसीलिए भाई ओनर्स मैनुअल ना हमेशा गाड़ी में रखना, अदरवाइज आपको पता ही नहीं लगेगा गाड़ी क्या साइन दिखा रही है, क्या इशू हो सकता है आपकी गाड़ी में। मेरी गाड़ी को अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने हुए हैं, 6,500 किलोमीटर गाड़ी चली है, और ऑटोमेटिक वार्निंग लैंप का मतलब है गियर बॉक्स में कुछ ना कुछ पंगा है, जो कि मैंने किसी और स्कॉर्पियन में सुना नहीं है फिलहाल अब तक। तो फिर हम लोगों को महिंद्रा कस्टमर केयर पे बात करके गाड़ी लेके जानी पड़ी महिंद्रा सर्विस सेंटर भिलवाड़ा में, और वहाँ पूरी हेल्प मिली हमको, लेकिन इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया। ऑल दो उनकी छुट्टी थी संडे की, लेकिन फिर भी बंदे आ गए हेल्प करने, हमको 15-20 मिनट सर्विस सेंटर पे वेट करना पड़ा, पूरी टीम आ गई थी उनकी चेक करने के लिए वो इशू। लेकिन उससे पहले हुआ क्या, मैंने एक बार ही सोचा कि गाड़ी को रीस्टार्ट करके देख लेते हैं, आधे इश्यूज उसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने गाड़ी लगाई भाई ढाबे पे, और पार्क मोड पे गाड़ी को लगाया, गाड़ी ऑफ ही नहीं हुई, गाड़ी दिखा रही थी स्विच टू पार्क मोड टू टर्न ऑफ द इंजन, जो नॉर्मली दिखाती है, जबकि पी मोड में गाड़ी लगी हुई थी, तो गाड़ी अपनी बंद ही नहीं हुई वहाँ पे, हमारी हालत और ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने जैसे ही गाड़ी को ड्राइव मोड या रिवर्स मोड पे मैं लगा रहा था, तो एकदम झटका ले रही थी गाड़ी, बड़े वाला जर्क, अगर ब्रेक ना दबा के रखो आप तो गाड़ी आगे पीछे जा सकती है, बहुत बड़ा जर्क। मैं वो वीडियो यहाँ डाल दूंगा साइड में, आप देखना कितना तगड़ा जर्क लग रहा था।
तो ऐसे कर करके फिर हम धीरे धीरे गाड़ी लेके गए भाई भिलवाड़ा के सर्विस सेंटर। वहां जाके फिर मैंने जब अपना ब्रेक पैडल बहुत हार्ड प्रेस किया तो मेरी गाड़ी बंद हो गई, और वहां जाके मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला कि एटलीस्ट गाड़ी बंद तो हुई। उसके बाद मैंने जब गाड़ी रीस्टार्ट करी तो वो ऑटोमेटिक वार्निंग लैंप का साइन चला गया MID से, और उसके बाद वो आया नहीं। फिर जब महिंद्रा की टीम आती है उसको चेक करने के लिए वहाँ पे, तो यार उन्होंने लैपटॉप से कनेक्ट किया OBD स्कैनर के थ्रू, लेकिन हमारी गाड़ी कनेक्ट ही नहीं हुई। उन्होंने दो लैपटॉप्स, दो OBD स्कैनर ट्राई कर लिए जो उनके पास थे, उनसे गाड़ी कनेक्ट नहीं हुई। वो करीब करीब 1 घंटा लगे रहे। उन्होंने नीचे अंडर बॉडी में भी देखा कि भाई कोई सॉकेट लूज तो नहीं है, हो गया है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का, लेकिन सब कुछ ठीक था नीचे। और लैपटॉप कनेक्ट नहीं हुआ तो उनको एक्चुअल में एरर दिखाई नहीं दिया कि किस वजह से वो साइन आया था। तो उन्होंने फिर हमें बोल दिया था एट द एंड कि यार आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, इसमें 1 दिन 2 दिन भी लग सकते हैं, या फिर आप धीरे धीरे करके दिल्ली ले जाओ, आपके ऊपर है। तो भाई अब वहाँ कहाँ रुकते फैमिली के साथ, और मंडे को अपना ऑफिस भी था। तो फिर हम धीरे धीरे गाड़ी लेके आ गए, इनफैक्ट सही स्पीड में लेके आए, क्योंकि उसके बाद कोई भी वार्निंग नहीं आई गाड़ी में, और गियर बॉक्स बिल्कुल सही चला, ना कोई झटका लगा, कुछ नहीं। उसके बाद हमने 10 बार गाड़ी बंद भी की होगी खाना वगैरह खाने के लिए, ब्रेक्स के लिए, तो उसके बाद कोई इशू नहीं आया। बट जब वो इशू आया था ना भाई, सीरियसली मूड ख़राब हो गया कि 28-29 लाख रुपये की गाड़ी, अपनी इंडियन कंपनी को हमने इतना सपोर्ट किया है कि महिंद्रा खरीदी है, उसके बाद यार 2 महीने हुए नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक गाड़ी में उसमें ही कोई ना कोई पंगा है। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ OBD से कनेक्ट करवा के, और देखेंगे इसमें क्या इशू है, कौन सा सेंसर फॉल्टी है, क्या कुछ है, आपको अपडेट करेंगे। बाकी इसके साथ मेरे को एक इशू और आता है, मेजर इशू, और वो गाड़ी जब से मैंने लिया ना तब से ही आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही इशू है वो भी। जब मैं अपनी गाड़ी लॉक या अनलॉक करता हूँ बाहर रिक्वेस्ट सेंसर से, बहुत टाइम मेरी गाड़ी लॉक नहीं होती है, स्क्रीन पे वीडियो डाल दूंगा, एरर दिखाता है की इनसाइड व्हीकल, जबकि की मेरे पास गाड़ी के बाहर होती है, और ये स्टार्टिंग से ही आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स इशू है। तो ये 3-4 इशूज़ हैं यार, बड़े इशूज़ हैं गाड़ी में, गाड़ी बिल्कुल नई है, और यार अपने को भाई रोड ट्रिप्स पे लेके जानी होती है गाड़ी, और पहाड़ों पे भी जाएगी, हर जगह जाएगी, और मेरी रोड ट्रिप्स बहुत लंबी होती हैं, तो अपने को ऐसा पंगा चाहिए नहीं। इसके पहले मैं ब्रेजा ऑन करता था भाई, मैं उसको लद्दाख क्या, गोवा क्या, गुजरात क्या, हर जगह लेके गया था, उसमें कभी एक इशू नहीं आया था, और मुझे कभी सर्विस सेंटर विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी मारुति में, और यहाँ भाई साहब 2 महीने हुए हैं, चक्कर लग रहा है। तो देखते हैं यार, ये इश्यूज़ हैं महिंद्रा में भाई, और टाटा में भी हैं, और मैक्सिमम जो इश्यूज़ हैं ना इनके, वो सेंसर्स रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है। इनके इंजन बहुत बढ़िया हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स पे महिंद्रा को काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है यार, बहुत सख्त ज़रूरत है। बाकी DEF फ्लूइड मेरी गाड़ी में बिल्कुल लो हो चुका है, वार्निंग दिखा रहा था जब मैं ट्रिप पे था, तो उसको भी फुल टॉपअप करा लेंगे आज। कि भाई जो आप ये साइन देख रहे हो, ये DEF फ्लूइड लो का साइन है, और इसके साथ में ही एक साइन आता है ऑटोमेटिक वार्निंग लैंप का, वो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा कैसा होता है, उसको इग्नोर मत करना। अगर आपकी गाड़ी में वो साइन आ रहा है ना, तो मतलब ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में कुछ ना कुछ लफड़ा है, जो बिल्कुल भी रिस्क टेकिंग चीज़ नहीं है, उसको डायग्नोस कराना बहुत ज़रूरी है। पहुंच गए भाई सेक्टर 37 महिंद्रा सर्विस, फिर से अभी खुला होगा, देखते हैं भाई क्या कुछ रहता है, करवाते हैं सब कुछ डायग्नोस अच्छे से। अच्छे से चेक कर लो भैया, और कोई दिक्कत ना हो भाई। मेन तो मैंने आज तक किसी में नहीं सुना ऑटोमेटिक का ये लैंप स्कॉर्पियन में, मतलब यूट्यूब पे तो वीडियो देखते ही ना हम, ये वाली इशू मैंने नहीं देखी और किसी स्कॉर्पियन में, और एक ही बार आया था वो। थैंक भैया 20 लीटर है ना इसमें, वो भी टॉप अप कर दो, पूरा अलाइनमेंट भी कर ही दो। महिंद्रा ने बता दिया आपको क्या रिप्लेस करना है। We'll be right back.
75 years later. Boy, time check 12:48. Almost 4 घंटे लग गए अपने को. और अब MID अच्छा लग रहा है ना. कोई साइनेज आलतू फालतू की कुछ भी नहीं है. बिल्कुल क्लियर एकदम. DF डलवा लिया भाई मैंने. बाकी बताता हूँ आपको क्या कुछ हुआ है अपना इस रिपेयर में, सर्विस में. भाई हालत ख़राब हो गई. गर्मी में 4 घंटे लग गए. और DEF मेरा लो था तो वो डल गया है ऑलमोस्ट 16 लीटर्स. तो 2 कैन डले हैं. और जिसका 100 रुपीज़ पर लीटर का रेट चार्ज करती है कंपनी, तो वो टॉप अप करा लिया. उसके बाद एक पार्ट रिप्लेस होना था, रिकॉल आया हुआ था महिंद्रा से. वो है अल्टरनेटर डी कपलर, एक पुली पे लगा हुआ है वो पार्ट. तो वो रिप्लेस हुआ है क्योंकि रिकॉल में था महिंद्रा की तरफ से, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट हो गई उसकी. बाकी जो मेन इशू निकला ना यार, ऑटोमेटिक वार्निंग लैंप का कुछ भी नहीं. इनको भी समझ में आया. OBD से इन्होंने 2 बार लैपटॉप कनेक्ट करके सारे कोड स्कैन कर लिए, कोई एरर कोड कुछ नहीं आया. तो इनको भी कोई आइडिया नहीं लगा कि वो एरर मैसेज क्यों था. तो बाकी फ़िलहाल वो आ नहीं रहा है. कह रहे सर कुछ भी इशू नहीं लग रहा है क्योंकि कोई एरर मैसेज है ही नहीं. कुछ एरर मैसेज आएगा तभी तो उसको ये ठीक करेंगे. तो हो सकता है सॉफ्टवेयर ग्लिच हो, बाकी कुछ कह नहीं सकते उसका. तो उसमें कोई मतलब पता नहीं लगा अपने को. फ़िलहाल बस होप कर सकते हैं कि ठीक चले, कोई इशू ना आए ऑटोमेटिक में. बाकी महिंद्रा के सिस्टम में भाई मैंने अपनी हिस्ट्री में ये ऐड करा ही दिया है कि ये अपना इशू आ चुका है. तो इन केस फ्यूचर में ऐसा कोई इशू आता है तो वो इनके पास हिस्ट्री रहेगी कि मैं पहले ही रिपोर्ट कर चुका हूँ ये ऑटोमेटिक वार्निंग लैंप का इशू. उसके बाद सेकंड चीज़ थी भाई, मेरी गाड़ी में जो एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर रहे थे तो स्पीकर्स में पीछे आवाज़ नहीं आ रही थी. वही सिनेरियो हुआ जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और ठीक हो जाते हो ना ऑटोमेटिकली कि अच्छा मुझे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वैसा ही हुआ. यहाँ आया, स्पीकर्स चेक कराए, बिंदास चल रहे हैं सारे स्पीकर्स में, प्रॉपर आवाज़ आ रही है, कोई इशू इनको मिला नहीं. और ऊपर से भाई मतलब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं आया हुआ सिस्टम का फ़िलहाल, तो उसका भी कुछ नहीं पता लगा. वो भी मतलब अब देखेंगे आगे. भाई मैंने इनको सुना तो दिया था कि मुझे इशू आ रहा था स्पीकर्स में, लेकिन कुछ नहीं आइडेंटिफाई हुआ क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया ही नहीं हुआ है. तो देखेंगे, फिर फेस किया तो फिर बताएंगे. तो वो हो गई दूसरी चीज़. अब थर्ड चीज़ है भाई, एक सेकंड ट्रैफिक में से निकल जाए. अब थर्ड चीज़ है भाई, अपनी गाड़ी में रिक्वेस्ट सेंसर कई बार काम नहीं कर रहा था. बाहर रिमोट से गाड़ी लॉक नहीं हो रही थी, एरर मैसेज दिखा रहा था कि इनसाइड व्हीकल. तो उसका भी कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, उसका भी कुछ आइडेंटिफाई ये कर नहीं पाए. एक इशू इनको छोटा सा मिला सनरूफ में, जो आई थिंक मैंने पहले भी मेंशन किया है वीडियो में या नहीं पता नहीं. कई बार क्या सनरूफ वन टच में ओपन नहीं होती थी, स्टक हो जाती थी. तो वही ये लोग टेस्ट कर रहे थे तो वो एक बार खुल गई, दूसरे बंदे ने आके टेस्ट करी तो वो फिर से हैंग हो गई. तो सनरूफ को इन्होंने रीसेट कर दिया है और मेरी कार के रिमोट को रीसेट कर दिया है. 2 चीज़ें की हैं. तो होप करते हैं कि अब वो इशू दोबारा ना आए. आई थिंक ये सनरूफ के इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही कुछ झोलझाल चल रहा था. बाकी आपको अपडेट करेंगे. तो भाई ऐसा कुछ, अपने को 4 घंटे लगाने पड़े हैं. और मेरा जो टोटल बिल आया ना, वो आया 2296 रुपीज़, जिसमें कि मैंने अलाइनमेंट कराई है क्योंकि मेरी व्हील अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट थी. तो उसके 750 रुपये चार्ज किए महिंद्रा ने. और जो मेरा DEF डला है करीब करीब 1500-1600 रुपये का वो डला है, ऊपर से टैक्सेस वगैरह मिला. तो मैंने टोटल पे किया है 2296 रुपीज़. तो भाई ऐसा कुछ अपना अभी तक एक्सपीरियंस है. 2 महीने में 6,500 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है और 2-3 इलेक्ट्रॉनिक्स के इश्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं. आई होप आगे ना आए. मुझे 1-2 ओनर्स मिले थे यहाँ पे स्कॉर्पियो N के, जो पिछले 10 महीने से चला रहे हैं और यही वाला मॉडल है मेरा, मेरे वाला Z8 ऑटोमेटिक 4-व्हील ड्राइव. उनकी गाड़ी में भाई एक भी इशू नहीं आया, वो 10 महीने में 26,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं. तो लक की बात है भाई, क्या कुछ आपके साथ निकल जाए. बाकी महिंद्रा और टाटा में थोड़े से चांसेस ज़्यादा रहते हैं इश्यूज आने के, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेशली. बाकी यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, सेक्टर 37 गुड़गांव का. बेशक उनसे आइडेंटिफाई ना हुआ हो कि क्या इशू है क्योंकि कोई एरर कोड ही नहीं आ रहा था, बट बंदे हेल्पफुल हैं सारे, जो बोलते हैं ना काम वो कर देते हैं. तो भाई ये कुछ वीडियो थी एक अपनी
जो भी इश्यूज मैंने अपनी ये 2 महीने की ओनरशिप में फेस किए हैं फिलहाल उसके ऊपर। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो गाड़ी से रिलेटेड या रोड ट्रिप से रिलेटेड तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग कीप लिविंग। साइनिंग ऑफ, जय माता दी।